किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पर गोली चलाने वाली मोदी सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। पुलिस की फायरिंग में एक किसान की मौत होने की बात भी कही जा रही है। वहीं बिहार के विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों ने किसानों को एमएसपी देने की मांग की है। विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और बाहर किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया है। सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम ने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। उन्होंने बिहार के किसानों को भी एमएसपी देने की मांग की है। किसानों को शहादत देनी पड़ी और प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए उस कानून, तीन कानून को वापस लिया और ये वादा था कि किसानों की आमदनी 2022 तक दो गुना की जाएगी। अब तक दो गुना हुई नहीं, किसान तबाह है, मर रहे हैं। जो दोबारा किसान आंदोलन शुरू किया है उस पर बुलडोजर चल रहे, गोली चल गई है, मौत हो रही है। ऐसी हालत में हम मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा के माध्यम से कानून ये पास हो, निंदा करे सरकार और बिहार में भी एपीएमसी लागू हो, एमएसपी दिया जाए, साथ साथ जो भूमिहीनों को आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और जो 21 लाख एकड़ जो गैर मजरूआ फाजिल जमीन है वो गरीबों भूमिहीनों में जी बंदोपाध्याय रिपोर्ट के अनुसार लागू किया जाए, भूमि सुधार लागू हो। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि मोदी सरकार केवल दो कॉर्पोरेट घरानों को पैसा दे रही है जबकि किसानों को मोदी सरकार कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। केंद्र सरकार जो किसान विरोधी, युवा विरोधी, देश के समाज न्याय के विरोध में जो सरकार रहती है वो सुनती नहीं। वो सिर्फ दो लोगों के पक्ष में है, दो बड़े कॉरपोरेट घराने के पक्ष में है जिसको भर भर के पैसा देना है और उसके पैसा से अपना आगे क्या करेंगे आप? हमारे पास के जमहूरियत में क्या है, गांधी जी ने क्या सिखाया है? बार बार प्रतिकार करना, प्रतिशोध करना, जलसा करना, जुलूस करना, अपने आर्गुमेंट से जनता को तैयार करना और फिर वही जनता जमहूरियत में इनको बदल देगी। वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि किसानों को एमएसपी देनी चाहिए। उन्होंने के पाठक के रवैये को लेकर भी बिहार सरकार पर हमला बोला। किसान आंदोलन पूरे देश में है और किसानों के सवालों को लेकर हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन किसानों के साथ है, क्योंकि जो बटाईदार हैं उनको भी हक मिलना चाहिए। एमएसपी का जो मांग है उनको निश्चित रूप से होना चाहिए और किसानों के साथ का दमन हो रहा है, उनकी लाठियां चलाई जा रही है, मौत भी हुआ है किसान का, उसकी जांच भी कराने का आदेश है। नहीं, रोज उठ रहा है सदन में, किसानों की मांग तो उठ रही है और किसानों की मांग उठती रहेगी। अच्छा भैया, शिक्षक जो स्कूल जा रहे हैं वो डर से हमें स्कूल जा रहे हैं। अब सवाल है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घोषणा पर कायम नहीं है तो हमको लगता है कि जिस तरह से जिसके साथ गए हैं वो अपने घोषणा को जुमला साबित करता है उन्हीं के साथ है, और जिस राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा करे सदन में और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो तो उसको क्या समझा जाएगा। बिहार अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहे, उन्होंने कहा कि टाइम को हम घटाएंगे। घटाएंगे तो आप पत्रकार हैं ना, आप दिखाइए कि घटा है कि नहीं घटा है, आप जांच कर लीजिए और उसके बाद जो सही है उसको चला दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये जांच लीजिए, चला दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को गुमराह किया है, उनको सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों ने दिल्ली कूच का इरादा 2 दिन के लिए टाल दिया है, लेकिन अगर उनकी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग पूरी नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।